आज हम यहाँ पर सिलेशियन म्यूज़ियम देखने आए हैं, जो कि एक समय में पोलैंड के सबसे बड़े म्यूज़ियमों में से एक था। इस संग्रहालय की स्थापना 1929 में हुई थी और 20वीं सदी में ये पोलैंड के सबसे बड़े म्यूज़ियमों में से एक था। उसके बाद 1940 में इस म्यूज़ियम को तोड़ दिया गया था। फिर 1984 में इस म्यूज़ियम को होटल में बदल दिया गया। 2015 में इसे फिर से म्यूज़ियम में बदला गया। ये इस म्यूज़ियम का पूरा मैप है। ये अपनी पुरानी इमारतों सहित 2015 में फिर से बनाया गया। हम अब म्यूज़ियम के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर बहुत सारी पेंटिंग्स लगी हुई हैं। ये पेंटिंग यहाँ की बहुत ही फेमस पेंटिंग है, जिसमें एक ज्यूइश महिला संतरे बेच रही है। यहाँ पे जो मोस्टली पेंटिंग्स बनी हुई हैं वो ऑयल और कैनवास से बनी हुई हैं और सारी पेंटिंग्स एक से बढ़कर एक मास्टरपीसेस हैं। हर पेंटिंग्स के लिए अलग अलग लाइट लगाई हुई है। ये लाइट जब उन पेंटिंग्स पे पड़ती हैं तो उनकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। ये पेंटिंग्स देख के ऐसा लगता है जैसे कि सच में आपके सामने कोई खड़ा है और आपको देख रहा है। यहाँ पे जितनी भी पेंटिंग्स लगी हुई हैं सब काफ़ी पुरानी हैं। कुछ 18वीं सदी की हैं, कुछ 19वीं सदी की हैं। कांच से बनी हुई पेंटिंग भी यहाँ पर लगाई हुई है, जिससे ब्लाइंड लोग भी इसे छूकर महसूस कर सकें। ये 1905 में बनी है प्लास्टर से, वुमेन क्राइंग। इस पेंटिंग को मोम कलर से बनाया है। ये पेंटिंग है टूवर्ड्स द न्यू लाइफ, जैसे कि हमारे यहाँ मरने के बाद यमराज हमको ले जाते हैं, वैसे ही। इस म्यूजियम की पर पर्सन टिकट है 24 zlotys, यानी कि इंडियन करेंसी में 500 रुपीस। पर यहाँ की जो पेंटिंग्स हैं उनको देखते हुए मुझे लगता है कि पूरा पैसा वसूल है। ये देखिए, ये टिश्यू पेपर पर बनी हुई पेंटिंग है, पेंसिल आर्ट, वो भी 1938 की। ये क्रिसमस का ग्रीटिंग है, बहुत पुराना। अगर आप पेंटिंग देखने के शौकीन हैं तो इस म्यूज़ियम में आपको एक बार आके ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक से एक पेंटिंग्स हैं। सब यूनिक हैं और सब के सब मास्टरपीसेस हैं। यहाँ पर इतनी सारी पेंटिंग्स हैं कि अगर आप सबको गौर से देखने लगे तो आपका पूरा दिन निकल जाएगा पेंटिंग्स ही देखते देखते। इसलिए यहाँ पर दो टाइप के टिकट होते हैं, एक फुल डे टिकट और एक हाफ डे टिकट। पर मैंने हाफ डे टिकट लिया हुआ है क्योंकि मुझे कुछ पेंटिंग्स उतनी समझ नहीं आती। इस लेपर्ड को देखिए, कितना शानदार बनाया हुआ है। Thank you.
ये 3D आर्ट पेंटिंग्स हैं। द बर्थ इसे पॉलिस्टर से बनाया है। ये पेंटिंग देखिए, इसे कितनी बारीकी से बनाया गया है। इस म्यूजियम में दो फ्लोर हैं, अपर फ्लोर में पूरी पेंटिंग्स हैं और नीचे के फ्लोर में कुछ स्टैचू हैं और खदान के बारे में बताया गया है, क्योंकि कैटोविश जो सिटी है वो पूरी कोल माइंस की खदान के लिए फेमस है। इसकी पूरी एंट्री ऐसी बनाई गई है जैसे हम किसी खदान के अंदर जा रहे हैं, और खदान के वर्कर्स के कपड़े इन्होंने सामने लटका के रखे हुए हैं, और तो और यहाँ पर म्यूजिक भी वैसा ही रखा गया है। ये खदान में काम करने वाले वर्कर्स के कपड़े हैं और ये नीचे लॉक लगे हुए हैं, यानी कि वो अपने कपड़ों को ऐसे लॉक में लगा के जाते थे और दूसरे दिन लॉक खोल के वही कपड़े यूज़ करते थे। यहाँ पर जितने कपड़े हैं उतने ही ताले हैं। यहाँ पर कुछ पुराने बर्तन, सिक्के, कुछ पुरानी ज्वेलरीज रखी हुई हैं और ये बड़ा वाला दांत मेहमत का है। इस फोटो में लोग हिल रहे हैं, अगर आप गौर से देखेंगे तो इस फोटो का हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कर रहा है। यहाँ पर कैटोविश में जो कोल माइंस थी उसके फर्स्ट स्टीम इंजन के बारे में बताया है। ये कोल माइंस में यूज होने वाले औजार और नीचे कोल माइंस में जो पत्थर निकलते थे अलग अलग तरह के वो हैं।
पोलैंड में पुराने घर कैसे होते थे अंदर से, ये वो बताया गया है यहाँ पर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जितनी लड़ाइयाँ हुई थी और उसके चलते जितना नुकसान हुआ था वो भी यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर वैसा ही म्यूजिक भी दिया गया है वॉर वाला। ये देखिए कितने अच्छे से डेकोरेट किया गया है, कितनी अच्छी लाइटिंग है। कैटोविश और पोलैंड के पास्ट को इन लोगों ने बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया हुआ है। यहाँ की ऐसी न्यूज़ेस जो पॉपुलर हुई हैं बहुत ज़्यादा, उनके बारे में बताया गया है। और यहाँ की जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, जो कि प्रसिद्ध इमारतें हैं, उनके बारे में भी बताया गया है। ये नया म्यूज़ियम है जो कि 2015 में बनाया गया, और जो इसके पहले का म्यूज़ियम था वो अब अंडरग्राउंड है। यहाँ पर बहुत सारी जगह पर पॉलिश लैंग्वेज लिखी हुई है और इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ही कम लिखी हुई है, और जो स्पीकर्स हैं वो भी पॉलिश लैंग्वेज ही बोल रहे हैं, इसलिए बहुत सारी चीज़ों को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पर इसे बनाया बहुत अच्छे तरीके से गया है और लाइटिंग भी बहुत अच्छे तरीके से की गई है, ये देखने में ही बहुत खूबसूरत लग रहा है। कि जो पुराने ज़मानों में सूटकेस हुआ करते थे वो हैं ये। पुराने ज़माने का ट्रेन का डिब्बा, यहाँ पर जो लोग कोल माइंस में काम करते थे वो कैसे कमरों में रहते थे, ये उसके बारे में बताया गया है। ये पोलैंड की सबसे पहली कार का मॉडल है और ये सबसे पहला कैमरा। बैकग्राउंड में आपको जो लैंग्वेज सुनाई दे रही है वो पॉलिश लैंग्वेज है, इसलिए वो आपको समझ में नहीं आएगी। और अभी के टाइम पोलैंड में ऐसे घर बनते हैं। पहले के लोग कैसे घरों में रहते थे, वो कैसा सामान यूज़ करते थे, इस म्यूज़ियम में वो सब बताया गया है। ये देखिए, ये पहले के ज़माने के लोग जो बिस्तर यूज़ करते थे ये वो लगा हुआ है। पोलैंड की हिस्ट्री को, कैटोविश की हिस्ट्री को, कोल माइंस की हिस्ट्री को यहाँ पर बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया है इस म्यूज़ियम में। Gracias.
ये पुराने लॉकर्स लगे हुए हैं। ये देखिए, यहाँ पूरा बताया गया है कि 1982 में क्या हुआ था, 1983 में, 1984 में, 1985, 1986, हर साल का बताया गया है कि हर साल कब क्या हुआ, पहले कैसे फोटोज़ बनाई जाती थी। ये वो वाला रूम है। ये पूरे कैटोविश सिटी का नक्शा है। ये यहाँ पर पुराने जो राजा रानी हुआ करते थे उनकी ड्रेस है। ये यहाँ पर पुराने ज़माने में जो ड्रेस यूज़ होते थे वो हैं, और पुराने ज़माने में जो शूज़ स्लीपर्स हुआ करते थी वो हैं। तो ये इस म्यूज़ियम का आखिरी पार्ट है, यहाँ पर ये म्यूज़ियम ख़त्म होता है। और अब हम बाहर आ गए हैं और हम जाने वाले हैं इस टावर के ऊपर कैटोविश का नज़ारा देखने के लिए। तो ये देखिए कैटोविश सिटी का नज़ारा ऊपर से। और ये है वो पूरा म्यूज़ियम जो हमने अभी अभी घूमा है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।